नमस्कार दोस्तों, सीजी सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छात्रावास अधीक्षक कैसे बने, शैक्षणिक योग्यता क्या होता है, क्या कार्य होता है, वेतन कितना दिया जाता है और छात्रावास अधीक्षक किसे कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में रहने वाले बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो छात्रावास अधीक्षक बनना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता है कि छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, क्या कार्य होता है, वेतन कितना दिया जाता है। या तो दोस्तों, आप लोग अपने घर में रहने वाले भाई या फिर दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी दे सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं छात्रावास अधीक्षक किसे कहते हैं। तो दोस्तों, छात्रावास अधीक्षक को इंग्लिश में हॉस्टल वार्डन कहते हैं, ये आपने नाम तो सुना ही होगा। छात्रावास अधीक्षक छात्रावास जहाँ अध्ययनरत छात्र छात्राएं निवास करते हैं वहाँ का प्रधान या मुख्य होता है, जो छात्रावास को संचालित करता है और छात्रावास से सभी कार्यों का क्रियान्वयन करता है। तो दोस्तों, जो छात्रावास अधीक्षक होते हैं जहाँ पर स्टूडेंट रहते हैं और पढ़ते हैं वहाँ का ये एक प्रकार का मुख्य होता है और सभी जो कार्य हैं वो छात्रावास अधीक्षक के द्वारा संचालित किए जाते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी हो तो छात्रावास अधीक्षक बनना चाहते हो तो उसके लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 12वीं पास, इसी के साथ कंप्यूटर में डिप्लोमा होना आवश्यक है। अगर आप लोगों ने DCA या फिर PGDCA कोर्स किया है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो और आवेदन कर सकते हो। अगर आप लोग अन्य राज्य के अभ्यर्थी हो तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक पास मांगा जाता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं छात्रावास अधीक्षक को वेतन कितना दिया जाता है। तो दोस्तों, जो छात्रावास अधीक्षक होते हैं उन्हें प्रतिमाह 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक वेतन दिए जाते हैं और अलग अलग राज्यों में छात्रावास अधीक्षक को अलग अलग वेतन दिया जाता है। दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को अभी वेतन बताया है ये प्रारंभिक वेतन है, इसके बाद में धीरे धीरे वेतन बढ़ता जाता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए आयु सीमा क्या होना चाहिए। तो जो छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी हैं अगर वो छात्रावास अधीक्षक बनना चाहते हैं तो उनके लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक होना चाहिए और ST SC OBC वर्ग को राज्य शासन के नियम अनुसार आयु सीमा में छूट दिया जाता है। दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को जो बताया वो छत्तीसगढ़ में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए है। अगर आप लोग अन्य राज्य में रहते हो तो जो न्यूनतम आयु होता है छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु होना चाहिए 35 वर्ष। और दोस्तों, फाइनली अब बात कर लेते हैं छात्रावास अधीक्षक का कार्य क्या होता है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कमेंट करके पूछते हैं आखिरकार छात्रावास अधीक्षक को क्या काम करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एक करके पॉइंट वाइज बताने वाला हूँ। छात्रावास या हॉस्टल के संचालन के लिए नियम कानून बनाना, छात्रों की समस्याओं को सुनना और दूर करना, छात्रावास के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखना। जैसे दोस्तों, छात्रावास या फिर आप लोग हॉस्टल में रह रहे हो तो उसके लिए नियम कानून बनाया जाता है छात्रावास अधीक्षक के द्वारा, छात्रों की समस्याओं को सुना जाता है और उनकी जो समस्या होता है उसका समाधान या फिर उनकी समस्या को दूर किया जाता है छात्रावास अधीक्षक के द्वारा। और छात्रावास के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखा जाता है कि कौन सा कार्य अभी छात्रावास के अंतर्गत किया जा रहा है, कहीं गलत काम तो नहीं किया जा रहा है उसी के अंदर, इन सभी कार्यों पर छात्रावास अधीक्षक नियंत्रण रखता है। छात्रावास में समय समय पर कार्यक्रम व अन्य क्रियाकलापों का आयोजन कराना। छात्रावास हॉस्टल के अंतर्गत स्टूडेंट जहां रहते हैं वहां पर समय समय पर कार्यक्रम आयोजित कराना। जैसे दोस्तों, क्रिकेट मैच हो गया या फिर फुटबॉल हो गया या फिर अन्य कार्यक्रम, छात्रावास अधीक्षक का ही काम होता है। छात्रों को सुविधा उपलब्ध कराना, छात्रों के हितों की रक्षा करना। जैसे दोस्तों, अगर कोई छात्र या स्टूडेंट हॉस्टल के अंदर रह रहे हैं तो उन्हें पानी की व्यवस्था कराना, खाने की व्यवस्था कराना, रूम की व्यवस्था कराना, उनके लिए रहने के लिए रूम ठीक ठाक है या नहीं, ये सभी कार्य दोस्तों छात्रावास अधीक्षक के होते हैं। और भी अन्य कार्य हैं जो छात्रावास अधीक्षक के द्वारा किया जाता है, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया है ये छात्रावास अधीक्षक के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं।
तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लोग अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ऐसी ही काम की वीडियो जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। और छात्रावास अधीक्षक या फिर हॉस्टल वार्डन से संबंधित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि हम आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।